हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हम होप यू आर वेल। सो आज हम बनने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से पाइनएप्पल डेसर्ट। सो इधर मैंने ले लिए हैं छोटे छोटे साइज़ के 5 पाइनएप्पल टेंस, जिसमें मैंने जूस अच्छे तरीके से निकाल लिया है। इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से मैंने निकाल लिया है कि इतने इतने साइज़ के होते हैं। एज यू सी, देखें बिल्कुल हमारे ड्राई हैं क्योंकि मैंने जूस निकाल लिया। अब आगे चलते हैं। तो इसमें हमने डाली है 5 बिग साइज के क्रीम, डेरी क्रीम डाली है, और इसमें हमने डाली है 5 टेबलस्पून शुगर, आइसिंग शुगर नहीं, आम शुगर जो होती है। आप लोग आइसिंग भी चाहें तो डाल सकते हैं। अब इसको अपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हमने इसमें डाली है, और जो क्रीम थी वो हमने कोल्ड क्रीम ली थी, ये थोड़ी बहुत जमी हुई थी और थोड़ी सी नहीं जम रही थी। ठीक है, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और हम इसको थोड़ा सा भी इससे मिक्स करेंगे कि थोड़ा सा ये थोड़ी पतली पतली हो जाए। इसके बाद हम इसको बीटर से मिक्स करेंगे। ठीक है, तो बीटर से जब मिक्स करना है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब ये देखें, एज यू कैन सी हमारी क्रीम कुछ इस तरह की हो गई। तो अब हम इसे बीट करते हैं। हमने इसको अनटिल बीट करना है, जब तक ये पतली यानी कि थिक सी ना हो जाए, फ्लफी ना हो जाए। करते रहना हमारी डबल क्वांटिटी में हो गई है पहले से, लेकिन अब मैं इसको और मज़ीद बीट करने के लिए इसकी ज़रूरत है। सो हमारी बीट हो गया, अब हम इसे फ्रीज़र में और मज़ीद रख देंगे मज़ीद देर के लिए। देखेंगे कुछ इस तरह हो गई है। सो हमारे टिन्स हैं, अब हम इनको से 1 by 1 टिन्स को निकाल लेंगे, होल एंड कंप्लीट टिन्स को, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पाइनएप्पल्स कट करेंगे। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितना छोटा हमने इसे कट करना है, और सारे टिन्स को हम इनके छोटे छोटा कर लेंगे, काट लेंगे। सब हम इन्हें कुछ ये देखें इस तरह के शेप में कट करते जाएंगे। इतना इतना साइज रखना है तो ये मज़ेदार लगेंगे इस तरह। और ये मैंने एक पाउल ले लिया है फ्रूट्स के लिए, वो मैंने ले लिया था क्रीम के लिए, और ये मैंने ले लिया है फ्रूट्स के लिए। तो अब मैं इसमें फ्रूट्स इसी तरह कट करके डाल दी जाऊँगी, और फिलहाल मैं अभी पाइनएप्पल्स कट कर लूँ। जब तक मैं अपने 5 टिन्स करती हूँ, तब तक फिर आपसे मिलती हूँ। सो मैंने ले लिए हैं 6 एप्पल्स, ये देखें आप लोग मीडियम साइज के हैं ये सारे एप्पल्स, जिनको मैंने वॉश कर लिया। मैं इन्हें पील कर लूँगी और आपको दिखाऊँगी किस तरह इनको कट करना है। सो देख लें, इनको इस तरह हमने कट करना है। ठीक है, पील करके हमने इन्हें कट करना है, और ये 6 एप्पल्स मैंने ले लिए। तो देखें मैंने एप्पल्स कट चुके हैं, कंप्लीट नहीं कटे, अभी थोड़े कटे हैं, लेकिन आपको शक्ल दिखाती चलूँ इस तरह की। और हमारे पाइन एप्पल्स भी कट चुके हैं, ये देखें इस तरह इनको कुछ कट है। ठीक है, अब मैं आपको फिर और दिखाती हूँ। हम इसमें डालेंगे 16 बनानास, और इनको हम किस तरह कट करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। और हमारे एप्पल्स कंप्लीट हो चुके हैं, 6 एप्पल्स थे। और अब हम इसमें डालेंगे 25 वाले मैरी बिस्किट्स के 5 पैक्स, क्योंकि हर चीज़ हम 5 5 5 डालेंगे। अब हमने 3 अलग कर लिए हैं और 2 अलग कर लिए हैं। जो 3 हैं इनको हम हाथों से तोड़ लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और जो ये हैं इनको हम उससे मैश कर लेंगे। वो हम इसको 2 को इनसे मैश कर लेंगे और 3 को हाथों से तोड़ेंगे। और इसमें हमने बनानास डाल दिए इस तरह कट कट के, और ये हमने दोनों मिक्स कर देने हैं, एप्पल और बनानास और पाइनएप्पल, तीनों चीज़ें हमने मिक्स कर देंगे। मैरी बिस्किट के मैंने मैंने टोटल 5 पैकेट्स लिए थे, और एक पैकेट में होते हैं ये 8 बिस्किट्स। ठीक है, तो ये मैं अब इनको तोड़ी हूँ। हमारी क्रीम थी उसको हमने अपने सब फ्रूट्स में मिक्स किया, और उसने जो क्रीम फिर से निकाल के उसमें सब फ्रूट्स को मिक्स कर लिया, पाइनएप्पल एप्पल एंड बनाना को हमने उसमें मिक्स किया। और अब हमने इसमें एक लेयर, इसमें अब हमने वो फ्रूट्स और क्रीम के साथ सब की रख लिया 1 लेयर। तो इसमें हमने डाल लिया जो हमने मैरी बिस्किट्स को हाथों से तोड़ा था, वो वाले बिस्किट्स हमने डाल लिए हैं इसमें, उसकी लेयर डाल दिया है। अब जो हमारे फ्रूट्स थे उनकी लेयर्स डालेंगे एक और इस तरह अच्छे तरीके से, जो नीचे में बिस्किट्स होंगे उनको कवर कर देंगे। ये एक लेयर अब हमने इसमें डाली है, ये लेयर अभी हमने इसमें ऊपर से लगा लिया। फिर जो अब हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश किए थे अपने बिस्किट को, अब हम इसमें वो डाल देंगे इस तरह, पाउडर डाल देंगे
इस तरह डालेंगे इस तरह का। अच्छे तरीके से कॉर्नर्स पे भी तो ये हमारी थोड़ा सा डाल देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट डिश रेडी है इस तरह, बहुत ही मज़ेदार से और यम्मी यम्मी से, ये देखें। तो हमारी आज की रेसिपी कंप्लीट है, घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही यम्मी है। और ये बिस्किट हैं तो येलो, मगर अभी जिस तरह कैमरा थोड़ा ब्लर हुआ है, फोकस नहीं कर रहा इसलिए थोड़ा कलर इनका अजीब सा है, लेकिन ये है बहुत यम्मी, बहुत यम्मी। घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मज़ा आएगा, सबको बहुत पसंद भी आएगी, ये मेरा आप लोगों से पक्का पक्का कहना है। और ये अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे थोड़ी देर, सम थोड़ी घंटा या कुछ इस तरह, घंटा तो नहीं, हाफ एन आवर इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे, बहुत ही अच्छा चिल सा हो जाएगा और फिर ये सर्व करने के लिए रेडी होगा, बहुत ही मज़ेदार से है ये। घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।